हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी विद श्वेता। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में दो बहुत ही कूल से ही प्रोजेक्ट शेयर कर रही हूँ। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे बस वही रिक्वेस्ट है कि अगर यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट बेल आइकन, जिससे कि आगे आने वाले सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए, वीडियो तो हमारा स्टार्ट हो गया है। आपने यहाँ पर देखा कि मैंने एक MDF का बोर्ड लिया है। एक्चुअली ये एक केक का बेस था, तो मैंने इसी को यहाँ पर यूज़ किया है। और उसके ऊपर सबसे पहले मैंने जैसो का एक बिस्कुट दिया, उसको अच्छी तरीके से सूख जाने दिया। और उसके बाद में मैंने इसके ऊपर एक्रेलिक कलर, लाइट येलो एक्रेलिक कलर के साथ में इसका बैकग्राउंड मैंने कलर कर लिया है, जिसको कि पेंट करने के लिए मैंने ब्रश का यूज़ नहीं किया है, मैंने स्पंज का यूज़ किया है। अब जब ये अच्छी तरीके से सूख जाता है, यानी कि हमारा जो ये बोर्ड है ये अच्छी तरीके से सूख गया है जब भी हमने पेंट किया था। अब इसके ऊपर हमको अपनी डिज़ाइन बनानी थी, तो जो मुझे डिज़ाइन बनानी थी तो उसको मैंने सबसे पहले एक पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लिया था, और बाद में येलो कार्बन की हेल्प से मैंने इस तरीके से इस पर ट्रेस कर लिया, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। थोड़े से हमको यहाँ पर 3D इफेक्ट देना था, तो मैंने यहाँ पर मोल्डेड क्ले का यूज़ किया है। मोल्डेड क्ले आपको किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट के स्टोर पर या स्टेशनरी की शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। बेसिकली इसमें दो एलिमेंट होते हैं, रिजन और हार्डनर, जिनको कि मिक्स करके आपको डो बनाना होता है, तो ये इजली बन जाता है। अब मोल्डेड क्ले की हेल्प से मैंने यहाँ पर जो छोटे मोटे से मुझे 3D के इफेक्ट देने थे, तो मैंने वो यहाँ पर दे दिया है। जैसे कि कैटल को बनाया है मैंने, इसके फेस को बनाया है। यहाँ पर पास में एक छोटा सा प्लांटर रखा है जिसके कि मैंने लीव्स को 3D इफेक्ट दिया है। बट इसमें आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जब भी 3D वर्क करते हैं, यानी कि क्ले का वर्क आप जब करते हैं, तो आपको इसे लगभग 3 से 4 घंटे के लिए अच्छे तरीके से सूखने का टाइम देना है। क्योंकि अगर आपका क्ले अच्छे तरीके से सूखेगा नहीं है, तो इसके ऊपर आपका जो कलरिंग का पार्ट है वो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब वो चिप ऑफ हो सकता है, छूट सकता है। तो जब मेरा ये क्ले का काम अच्छे तरीके से सूख गया, तो मैंने इसके ऊपर अपना कलर का काम स्टार्ट किया है, कलरिंग का काम। बालों को कलर करने के लिए मैंने ब्लैक कलर का यूज़ नहीं किया है, ब्राउन कलर का यूज़ किया है। और इसी तरीके से इसके फेस, लेग और हैंड को कलर करने के लिए मैंने स्किन कलर का यूज़ किया है। मेरे पास में स्किन कलर नहीं था, तो मैंने यहाँ पर जो मेरे पास में ब्राउन कलर था उसी में मैंने वाइट कलर को मिक्स करके अपना ये कलर बना लिया। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। उसके बाद में ये जो हमारा प्रोजेक्ट है ना, इसमें बहुत ही छोटे छोटे से एलिमेंट्स हैं, मतलब छोटा सा ही हमारे पास में जगह है, उसमें हमको सब कुछ बनाना है। प्लांटर भी है, कैटल भी है, ट्रे भी है, कप भी है, कारपेट भी है। तो डिटेलिंग्स ही मेन होती हैं, तो आप और उसमें कलर का जो कॉम्बिनेशन है ये भी मेन होता है, तो आप इसको अपने हिसाब से भी रख सकते हैं। तो बट मैंने जो भी कलरिंग का काम किया है वो आप देख सकते हैं, आप भी ऐसा ही कर सकते हैं। बट छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, डिटेल्स हैं, जिन पे भी आपको फोकस करना है। और इसको मुझे करने में मज़ा बहुत आ रहा था। और ये जो छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं, जो ये एलिमेंट्स हैं, इन्हीं को पेंट करने में असली मज़ा है, असली फन इसी में है। और अगर आप इसको खुद से करते हैं तब तो फिर आपको अपने बचपन की याद आने वाली है, क्योंकि मैं पूरा इसको पेंट करने के दौरान मैं अपने चाइल्डहुड में ही थी। कि जिस तरह से मैं पहले पेंट किया करती थी, मैं चीज़ों को सीखती थी, करती थी, तो वही चीज़ मुझे इसमें बिल्कुल एक तरीके से मुझे याद आ रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को आप अपने बच्चे को भी दे सकते हैं करने के लिए। अगर आपके घर में कोई बच्चा है, उसको पेंटिंग का शौक है, तो आप उसको भी दे सकते हैं, उसको भी इसको करने में बहुत फन आने वाला है। तो इस तरीके से हमारा ये देखिए, ये कलरिंग का जो पार्ट है वो हो गया है। अब बाद में मैंने इसमें ब्लैक कलर की हेल्प से कुछ इस तरीके से आउटलाइनिंग दे दी है, थोड़ा सा ये और इसका जो लुक है ये इन्हेंस हो जाता है। और बाद में जो भी हमको इसमें और छोटे मोटे से डिटेल्स को ऐड करना है, मैंने इसमें वो भी ऐड कर लिया। तो इस तरीके से सारी डिटेलिंग्स और कलरिंग के पार्ट के डन हो जाने के बाद में मैंने यहाँ पर एक प्यारा सा कोट ऐड किया है, फाइंड द काम इन द केओस। तो आप को ये कोटेशन का मतलब समझ में आ ही रहा होगा। और इस वजह से ये प्रोजेक्ट जो है घर के किसी भी कोने में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके एजेस को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर ब्लैक एक्रेलिक कलर को स्पंज में इस तरह से लेते हुए टैप टैप करते हुए पेंट कर लिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप बनता है कि जब आपका प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो जाए, सारा कलर का पार्ट जो सूख जाए, तो उसके बाद में आपको वार्निश का एक कोट अप्लाई ज़रूर करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट की तरफ। तो यहाँ पर भी सेम मैंने MDF का ही यूज़ किया है, और जैसो का एक बिस्कुट दे देने के बाद में मैंने इसके ऊपर लाइट ग्रीन कलर का यूज़ किया है बैकग्राउंड को कलर करने के लिए। जो डिज़ाइन मुझे बनानी थी तो उसको मैंने पहले से ही पेपर पर ड्रॉ करके रखा हुआ था, और येलो कार्बन की हेल्प से मैंने अपने डिज़ाइन को इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो है मैंने ट्रेस कर लिया है। तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैं एक
क्यूट से प्यारे से बुद्धा जी का पैटर्न मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। यहाँ पर भी मुझको थोड़ा सा 3D इफेक्ट देना था, तो मैंने एज यूजुअल क्ले का यूज़ किया है। यहाँ पर क्ले का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं मैंने नहीं किया है, सिर्फ फेस को 3D इफेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर क्ले का यूज़ किया है। तो आगे के काम को करने के लिए मैंने यहाँ पर ये टॉयलेट पेपर का रोल लिया है और इसको इस तरीके से रफली फायर करके मैंने पानी में डिप करके इसको 4 से 5 घंटे के लिए, आप इसको 6 से 7 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। आपके पास में टॉयलेट पेपर नहीं है तो फिर आप टिश्यू पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो 6 से 7 घंटे के भीग जाने के बाद में मैंने इसको हाथों से ही खूब अच्छे तरीके से मैश कर लिया था, सारा जो पानी था एक्स्ट्रा वो मैंने निकाल दिया और मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक पार्ट में मैंने ब्लैक कलर और फेविकोल को मिक्स किया है, सेकेंड पार्ट में मैं यहाँ पर ऑरेंज कलर और फेविकोल को मिक्स करूँगी। तो पहले मुझे ब्लैक कलर की ज़रूरत थी तो मैंने उसको यहाँ पर बना लिया है और अब आपको समझ में आया होगा कि मैंने इसको क्यों बनाया है। तो यहाँ पर मुझे बुद्धा जी के बालों को थोड़ा सा 3D इफेक्ट देना था तो मैंने यहाँ पर क्ले का यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पर इस टिश्यू पेपर का जो ये मैश था मैंने इसका यूज़ किया है और सरफेस पे मैंने पहले से ही ग्लू लगा लिया था। हालांकि इसमें भी ग्लू मिक्स है मगर आप सेफ साइड के लिए सरफेस पर भी लगा लें जिससे कि अच्छी तरीके से स्टिक हो सके। और मैंने इसको प्लकर है या आपके पास में ऐसी कोई छोटी सी पिन है तो उसकी हेल्प से जो है आप इसको अच्छे तरीके से इसके ऊपर ग्लू कर सकते हैं। तो इस तरीके से इनका ये बालों का पार्ट डन हो गया। अब इनके कपड़ों को बनाने के लिए मैं चाहती तो मैं इनके पूरे ही कपड़ों को इनसे बना सकती थी बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बस थोड़ा सा यहाँ पर टिश्यू का जो ये मैसे ही मैंने यूज़ किया है हल्का सा यहाँ पर इनके थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह देने के लिए बस, और उसके बाद में मैंने इसको सूखने दिया। अब बात आ जाती है इनकी फेस को कलर करने के लिए। तो यहाँ पर एज यूजुअल जैसे कि मैंने पहले वाले प्रोजेक्ट में किया था सेम उसी तरीके से मैंने यहाँ पर स्किन कलर का यूज़ किया है और जो भी इनके ओपन पार्ट थे जैसे कि हाथ हुआ, थोड़े से कंधे हुए और फेस हुआ तो मैंने उसको यहाँ पर स्किन कलर के साथ में पेंट कर लिया है। अब जो उनके कपड़े होते हैं वो मोस्टली केसरिया कलर के होते हैं तो मैंने यहाँ पर ये ऑरेंज कलर का यूज़ किया है और थोड़ा बहुत शेडिंग मुझे बहुत ज़्यादा नहीं आती है तो मुझे जो भी आता था मैंने उस तरीके से इसको धीरे धीरे से पेंट कर लिया है। सूख जाने के बाद में ब्लैक कलर के साथ में मैंने इसमें आउटलाइनिंग दे दी है और बुद्धा जी की आइज़ और लिप्स और बिंदी वगैरह को मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो इस तरीके से हमारे ये बुद्धा जी जो है ये बन करके तैयार हो जाते हैं। बाद में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा हाइलाइटर का इफ़ेक्ट देने के लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर को एक ब्रश में लेकर के मैंने इस तरीके से एक स्ट्रोक दिया है और उसके ऊपर मैंने लिख दिया है ए ज़ेनफुल डे। ये मुझे बहुत ही क्यूट से लग रहे थे बट मुझे साइड का जो पार्ट था आप देख रहे हैं ना ये मुझे खाली खाली सा लग रहा था तो मैंने सोचा कोई क्या किया जाए। फिर मैंने निकाला कि यहाँ पर मेरे पास में थोड़ा सा स्टेंसिल रखा हुआ है और मेरे पास में ये पेस्ट भी रखा हुआ था तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर ये मंडाला का जो स्टेंसिल था लगा करके और इस पेस्ट की हेल्प से जो है मैंने यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर और भी डिज़ाइन मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। आपके पास में अगर ये नहीं है तो आप पेंसिल के साथ में हल्की फुल्की से डिज़ाइन को बना करके उसको पेंट कर सकते हैं। बाद में मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा गोल्डन कलर दे करके इसको टैप टैप कर दिया जब ये सूख गया। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोजेक्ट भी बनकर के तैयार है। वीडियो यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।